ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो जाके फिर से पढ़ो। ए डिस्क इज रोलिंग विद सम वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास जो है वो भी सी एम से जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है? अगर डिस्क रोटेट कर रहा है, इमेजिन करो अगर डिस्क रोटेट कर रहा है तो उसकी, ठीक है, रोलिंग और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर डिस्क रोलिंग मोशन कर रहा है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी बी सी एम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बी सी एम है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है भैया? हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और एक अगर डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा, ओमेगा से रोटेट करा आगे जा रहा है, तो हर पॉइंट सर्कल में, जो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे, हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो सेंटर, ये तो ये सर्कुलर मोशन की वजह से इधर लीनियर वेलोसिटी उधर आ जाएगी और ये होगी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा ये बी सी एम ही होता है। ठीक है, ये बी सी एम मतलब ये आ जाएगा टू बी सी एम। ठीक है, और यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज वी सी एम, तो इधर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, और घूमने की वजह से वी सी एम इधर आ जाएगा जो कि आर ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो डिस्क के ये जो पॉइंट है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी, नेट वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास ए ऑप्शन सही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट बी सी एम नहीं हुआ है तो गलत ही है, वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट बी सी एम एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये भी गलत है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज बी सी एम ये भी गलत है। ठीक है, आए समझ में? जब स्लीपिंग होती है तब यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होती, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो।